जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। नाउ स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बायो मॉलिक्यूल्स, दैट इज कोफैक्टर्स। नाउ फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स होते क्या हैं? कोफैक्टर्स, इफ़ यू टॉक अबाउट कोफैक्टर्स, सो इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन द रिएक्शन। They play a very crucial role in the catalytic activity of the enzyme. Enzyme की catalytic activity में इनका बहुत important role होता है, ठीक है। अगर हम ये cofactor जो है enzyme से remove कर देते हैं तो जो enzyme है that will be lost its activity, उसकी activity जो है वो it will be lost और वो जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाएगा। सो एंजाइम्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं एज यू ऑल नो, ठीक है। बट इन नंबर ऑफ केसेस देयर आर केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर्स दे आर बाउंड टू द एंजाइम। नाउ एंजाइम में जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम में दैट इज़ नोन एज कोफैक्टर एंड दीज आर बाउंड टू द एंजाइम इन ऑर्डर टू मेक द एंजाइम कैटलिटिकली एक्टिव। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये एंजाइम की कैटलिटिक पावर को इंक्रीज करते हैं, ओके। सो दिस इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट। तो कोफैक्टर्स क्या हुए? नॉन प्रोटीन पार्ट हुए। नाउ जो प्रोटीन पोर्शन होता है फिर एंजाइम का वो क्या कहलाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, एंजाइम जो है वो दो पार्ट से बने हैं, एक प्रोटीन पार्ट एक नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं, तो प्रोटीन पार्ट क्या कहलाएगा? प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम, ठीक है। सो कोफैक्टर्स, आई थिंक नाउ कोफैक्टर्स डेफिनेशन इज क्लियर टू यू, क्या इनका रोल होता है किसी भी रिएक्शन में, ये क्लियर है, ओके। नाउ कोफैक्टर्स जो हैं दे आर ऑफ थ्री काइंड्स। तीन तरह के कोफैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड द लास्ट इज योर मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम एंड द लास्ट इज मेटल आयंस। अब सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है और कोएंजाइम, ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन अ वे, बिकॉज इन अ वे दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, क्योंकि ये एपो एंजाइम के साथ बिल्कुल टाइटली बाउंड रहते हैं और तभी एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है अगर उसके पास को ये प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल परऑक्सीडेज एंड कैटलेज, ये क्या करता है? ये एंजाइम जो है इट कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन, इट कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन वाटर एंड हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोलिसिस, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। नाउ ठीक है, तो ये आपके दो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टू एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन कैटलाइज करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम जो है, हीम इज़ अनदर टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड दे आर द एक्टिव पार्ट्स, दे आर द एक्टिव पार्ट्स ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम में एक्टिव साइट्स होती हैं, हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, ये उसका एक एक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं ये कोफैक्टर्स हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम से, हमेशा हमेशा रहते हैं, ठीक है। ये कभी भी एंजाइम से अलग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल एक और है एफएडी। नाउ नेक्स्ट इज कोएंजाइम। नाउ कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लेकिन ये बहुत टाइटली पैक्ड नहीं रहते हैं, ये हमेशा एंजाइम के साथ नहीं रहते हैं। दे ओनली बाइंड टू द एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस, जब जो है रिएक्शन हो रहा है, जब कैटालिसिस हो रहा है तभी ये बाइंड करते हैं किसके साथ, एंजाइम के साथ। अदर टाइम ये दे डिटैच फ्रॉम द एंजाइम, बाकी टाइम वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है NAD+, दिस इज़ द कॉमन कोएंजाइम, और NADP इज़ ऑल्सो
a type of coenzyme. Now lastly is your metal ions. Now metal ions jo hain, they are for the catalysis of certain enzymes. A metal ion is required at the active site to form coordinate bond. ठीक है, जो metal ions हैं, metal ions जो हैं, they are required in order to form the coordinate bond, coordination bond with side chain at the active site. ठीक है, active site में जो side chains होती हैं उनके साथ ये coordinate bond बनाते हैं. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सब्सट्रेट. ठीक है, एक से ज़्यादा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सब्सट्रेट के साथ बनाते हैं. एग्जाम्पल है जिंक. ठीक है, जिंक इज़ अ को फैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक इंजाइम दैट इज़ कार्बोक्सी पेप्टिडेज. कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटियोलिटिक इंजाइम, और जिंक जो है उसमें को फैक्टर की तरह एक्ट करता है. ओके, सो इन अ नटशेल वी कैन से जो को फैक्टर्स हैं दे आर वेरी इसेंशियल, एंड इफ दे आर रिमूव फ्रॉम द इंजाइम देन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द इंजाइम इज लॉस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द को फैक्टर. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू एवरीबडी.